हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमॉन फायर एश वर्जन। जहाँ पर था पिछली बार हम लोगों ने दोस्तों यार इस रीजन का जो है वो फिफ्थ जिम मैच हासिल कर लिया था। एंड उसके बाद जो है गाइस यार जैसे ही हमने दोस्तों यार चार स्टोन के लिए जैसे हम एंटर होने से पहले गाइस यार यहाँ पर हमें एक क्रोकोरॉक मिल गया। सो यस गाइस यार यहाँ पर मैं चार स्टोन के में आ चुका हूँ। सो यस यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जो है मुझे एक्सप्लोर करना और बाकी है। तो यार इसके लिए जो है यहाँ पर मैं फिर से आ गया चार स्टोन के में, क्योंकि यार यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ जो भी है यहाँ पे जाना है, क्योंकि यार यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा दोस्तों यार चार स्टोन के एक्सप्लोर किया नहीं था। इसलिए गाइस यार आज मैं आ चुका हूँ यहाँ पर फिर से स्टार पॉइंट के में, क्योंकि गाइस यार हमने लास्ट टाइम जो है वो यहाँ पर आधा ही दोस्तों यार छोड़ दिया था। एंड उसके बाद जो है हमने एपिसोड को एंड कर दिया था। तो यार देखते हैं यहाँ पर इस साइड में क्या है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पर नर्जॉय क्यों खड़ी थी। एंड गाइस यार नीचे की तरफ शायद कुछ हमें आइटम मिल जाए। देखते हैं गाइस यहाँ पर कौन सा पोकेबॉल मिलेगा हमें, क्योंकि यार कोई भी मुझे मिस आउट करनी नहीं है। शायद एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी मिल जाए। ओके यहाँ पर एक पोकेबॉल है, सो वी ऑब्टेन द मैग्नेट। आपको तो पता ही है गाइस यार मैग्नेट से जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप की यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट यार इलेक्ट्रिक टाइप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यार मेरे पास पहले से ही लाइट बॉल पड़ा है पिकाचू के लिए, तो यार मुझे कोई भी यहाँ पर स्ट्रेंथ की जरूरत तो है नहीं। तो चलो गाइस यार यहाँ से अभी चले जाते हैं ऊपर की तरफ। सो गाइस यार यहाँ पर मैं हमें यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी मैंने चीज़ें जो है पर ऑलरेडी एक्सप्लोर करके हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर ना हम चले जाने वाले हैं सीधा यहाँ से दोस्तों यार इस चार स्टोन केव को लेवी करने के लिए। यस यहाँ पर गाइस यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर चार स्टोन केव है। अच्छा हुआ कि गाइस यार हमने कल ही आधे से ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लोर करके हो चुके थे, इसलिए जो है यहाँ पर मुझे यहाँ पर आज ज़्यादा कुछ टाइम पास करना नहीं है। हमें जो है सीधा निकल पड़ना है यहाँ पे मिस्टर लैटन सिटी के लिए अपना नेक्स्ट जिम बैच जो है वो हासिल करने के लिए। देखते गाइस यार आज मैं शायद सेकेंड जिम बैच सेकेंड नहीं क्या बोल रहा गाइस यार सॉरी सेवेंथ जिम बैच जो है वो हासिल कर पाऊंगा या नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे। जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर मुझे चले जाना चाहिए सेवेंथ जिम बैच हासिल करने के लिए। देखो यार मतलब कि यार ज़्यादा टाइम भी लगाया नहीं हमें यहाँ पर गाइस यार सेवेंथ जिम बैच हासिल करने के लिए। शायद लगभग ना आप कह सकते हो कि यार मैंने एक दिन नहीं तो यार हर दिन शायद मैंने एक जिम बैच तो यार हासिल कर ही लिया है इस रीजन का। मतलब कि यार सिनो रीजन में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे जिम बैच हासिल करने के लिए, बट या यूनोवा रीजन में जो है यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी समय में ज़्यादा टाइम पास कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे जिम बैच हासिल करने के लिए। शायद गाइस यार पिछले एपिसोड में हमने एक जिम बैच हासिल कर लिया था, एंड आज भी गाइस यार हम आज एक जिम बैच हासिल करने के लिए चले जाने वाले हैं। तो यार बिल्कुल भी मतलब कि मैं टाइम लेना ही नहीं चाहता हूँ यहाँ पर यूनोवा लीग को चैलेंज करने के लिए। एंड हाँ यार मतलब कि ये नेवर एंडिंग सीरीज़ हो सकती है, जब तक देखो यार जब तक पोकेमॉन चलता रहेगा ना तब तक ये पोकेमॉन फायरस का गेम आता रहेंगे, पोकेमॉन फायरस के इधर अपडेट्स आते रहेंगे। करंट जो है 2.26 है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना के रखी हुई है। गाइस आप कैसे लेटेस्ट ऑरिजन को गाइस मतलब कि अपडेट कर सकते हो, एंड गाइस आपकी सेव फाइल भी कैसे कर सकते हो। गाइस अपनी दोस्तों यार डाउनलोडिंग ट्यूटोरियल वीडियो में शायद वो छठी या सातवीं वीडियो होगी, आप प्लीज़ चेकआउट कर दीजिएगा। मतलब कि यार काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं डाउनलोडिंग ट्यूटोरियल्स से का। बीच में मैंने रुका दी थी वो अपनी सीरीज़, क्योंकि यार टाइम मिल नहीं रहा था मुझे वो शूट करने का, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेरे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो थे ना वो मुझे कंप्लीट करने थे, इसलिए मैं मेरे नए प्रोजेक्ट्स जो थे ना वो मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। ओके सो वी ऑब्टेन द लकी एग। अच्छा हो मैं गाइस यार यहाँ पर आ गया, एंड वी ऑब्टेन द ब्राइट पाउडर। अच्छा हो गाइस यार मैं यहाँ पर आ गया, मुझे लकी एग मिल गया एक। तो चलो गाइस यार यहाँ पर शायद मेरे टोटल जो है वो दो या तीन लकी एग्स हो गए हैं यहाँ पे। तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी यहाँ पर, क्योंकि यार मुझे शायद पहले भी जो है वो लकी एग मिला था। तो कोई बात नहीं यार यहाँ से जो है अभी इस केव के दोस्तों यार बाहर की तरफ जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि यार यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जाना एक अभी ज़्यादा कुछ बड़ा टास्क का है नहीं यहाँ पे। नीचे के एक बार थोड़ा सा थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं। एंड चलो गाइस यार यहाँ पर ना मैं जल्दी से जल्दी इस बातों को फिनिश कर आ जाता हूँ। तो ओके गाइस यार यहाँ पर हमने एक और बैटल कंप्लीट कर दिया है। सो यार यहाँ से अभी जो है राइट साइड में गाइस यार आयरिस खड़ी है। क्या वो आयरिस, कैन यू बिलीव द साइज ऑफ दिस केव, आई डिडंट इवन फाइंड एनी ड्रैगन टाइप्स, माइट यू एज वेल डू सम लाइट ट्रेनिंग विद यू। ओके यार यहाँ पर कोई भी ड्रैगन टाइप मिलेगा नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स थे। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी ये फिर से हमसे साथ बैटल करना चाहती है। देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी इसका एग्जैक्ट रिल कितना लेवल का हो चुका है, लेवल 32 का हो चुका है गाइस यार। पिछली बार हमारे पिकाचू को इसने हरा दिया था, क्योंकि यार आयरन टेल वर्क नहीं कर रही थी, बट इस बार जो है मेरे पास सर्फ है तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमने इसके यार तीनों के तीनों पिकाचू की मदद से यहाँ पर हमने इसे पोकेमॉन डाउन कर दिए हैं। आई वांट टू बीट यू वन डे, यू आर जस्ट अ लिटिल किड आफ्टर ऑल। तो यार इसको लगता है ना अभी मुझे इसके कान में गाइस यार घुसेड़ देनी चाहिए ये बात कि यार हम अभी 18 भी हुए यार, इसको क्या लगता है यार हमें इतने छोटे दिख रहे हैं इसको पता नहीं यार। तो चलो छोड़ो यार ये सब बातें,
तो चलो गाइस यार, यहाँ पर ना मैं जल्दी से जो है यहाँ पे अपनी इस सिटी एक्सप्लोरेशन जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर ना जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड गाइस आज ही जो है यहाँ पर मैं इस सिटी का जिम बैच जो भी हासिल करने के लिए चले जाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस यहाँ पर कितना टाइम लगता है हमें इस सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। इतनी भी बड़ी सिटी नहीं है गाइस यार, देखना होगा यहाँ पर और भी कितनी ज़्यादा कुछ चीज़ें मुझे जो है वो टेक केयर करनी है। ओके, तो ये हार्ड स्केल कलेक्टर है एंड राइट साइड में गाइस यार मूड डिलीटर या यहाँ पर नेम रेटर है। मूड डिलीटर ये शायद इस सिटी में नेम रेटर मुझे अब तक मिला नहीं है कोई भी पोकेमोन का। एंड हाँ यार, मुझे तो कोई भी पोकेमोन के निकनेम देने ही नहीं है इस पोकेमोन फायर सीरीज में, वरना तो यार हम अपने हर सीरीज में अभी निकनेम जो है वो देते हैं। आपने तो देखी होगी हमारी करंट जो चल रही है गाइस यार, पोकेमोन ब्लैक एंड पोकेमोन हेड्स एंड टेल्स की जर्नी गाइस यार, वहाँ पर तो हम निकनेम से निकनेम दे रहे हैं यहाँ पर हमारे जितने भी हम पोकेमोन्स पकड़ते हैं एंड जितने भी यहाँ पर पार्टी में रखना चाहता हूँ। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ गाइस यार। यहाँ पर दोस्तों क्लैन खड़ा है, तो मुझे लगता है कि गाइस यार यहाँ से उसे बात करने से पहले ना पूरा का पूरा जो है यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेता हूँ, हीलिंग जो है फिर से कर लेते हैं। एंड हाँ यार, उसके पहले गाइस यार यहाँ पर मैं चेंजेस कर देने वाला हूँ। तो यार यहाँ पर ना मैं अपने टीम में गाइस यार ऐड करने वाला हूँ ट्रैंक्विल को। यस गाइस यार, यहाँ पर मैं गाइस यार अपने ट्रैंक्विल को अपने टीम में ऐड करने वाला हूँ। स्नाइवी को यहाँ पर डिपॉजिट नहीं यार, स्नाइवी को, हाँ यस, स्नाइवी को इस जिम के लिए रखने देते हैं क्योंकि यार एक फ्लाइंग टाइप जिम है, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर भी हमने ले लिया। तो यार क्रोकोरॉक भी ऐड कर लेते हैं अपने पार्टी में। किसको डिपॉजिट करें यार, बोल्डर को रख देते हैं। तो यार देख ही सकते हो अपने लेआउट में भी अपनी टीम चेंज हुई होगी, तो चलो यार उसका भी एक्सपीरियंस शेयर ले लिया हमने। सो ऑल राइट गाइस, यहाँ पर अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ से एक्सपीरियंस शेयर दे देते हैं यहाँ पर आपके ट्रैंक्विल को। एंड दे देते हैं गाइस यार अपना, किसको दे दे, टेपिक को देते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर हमने दोनों को यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर दे दिया है अपना। सो यस, यहाँ पर सेव भी कर लिया मैंने गेम। ओके, तो गाइस यार यहाँ पर मैं क्रोकोरॉक आपको दिखाया नहीं था, तो आप देख ही सकते हो डिग, बाइट, स्टोनेज एंड क्रच लेवल 32 तक मैंने यहाँ पर सारे के सारे पोकेमोन्स को ट्रेनिंग दे दी है ऑफ स्क्रीन दोस्तों जाकर। सो लेट्स गो। गुड टाइमिंग ध्रुव, आई हैव जस्ट फाउंड आउट अबाउट स्काईलार्क्स एयर बैटल्स। एज अ जिम लीडर आई कैन नॉट स्टैंड अ टैक्टिस शी टेक द चैलेंज। आई चैलेंज हर माइसेल्फ ओवर दिस बट लॉस्ट। Perhaps if you battle me, you can show her the same spirit you show me. It may get her to take you on for a real. Are you ready for a battle? Now that we are ready for a prepare, so let's battle. So here we go guys, यहाँ पर क्लाइंट हमसे बैटल करना चाहता है। तो टोटल उसके पास अभी तीन पोकेमोन है, जो कि दो यार पैंसेज एंड ड्रेबलर है। यहाँ पे देखते हैं यार नेक्स्ट अप कौन आता है यहाँ पे, स्टनफिक्स। ओके, तो यार इसने स्टनफिक्स को पकड़ लिया है। तो चलो यार यहाँ पर अभी ट्रैंक्विल को लेकर आ जाते हैं। ट्रैंक्विल को शायद आज मैं गाइस यार इवॉल्व कर दूँ इनटू इट्स अ फाइनल फॉर्म अनफेजेंट। यार अपने पास एक फीमेल ट्रैंक्विल है, इसलिए फीमेल यहाँ पर अनफेजेंट आएगा, ना कि मेल अनफेजेंट। हाँ यार, मतलब ये स्पेसिफाई हुए हैं यहाँ पर, मतलब कि शायद पोकेमोन ब्लैक से ही गाइस यार इन्होंने स्पेसिफाई करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ यार, पोकेमोन फायर रेड में भी था यहाँ पर, कैंटो के फर्स्ट, मतलब कि नीडोकिंग, नीडोक्वीन भी अलग अलग दिखते थे। एंड हाँ यार गाइस यार, जैसे ही मतलब कि यार आप कह सकते हो ना कि इन्होंने यूनोवा रीजन में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपने पोकेमोन्स के गाइस यार, मतलब कि कैरेक्टर, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो कि जेंडर्स चेंज किए थे उन्होंने एंड स्पेसिफाई भी कर दिए थे, वरना तो यार आपको जो है वो साइन देखनी पड़ती है कि मेल या फीमेल। बट हाँ यार, ट्रैंक्विल के मामले में आपको देखनी नहीं पड़ती क्योंकि यार ट्रैंक्विल जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों दिख ही जाते हैं। ट्रैंक्विल जैसे ही यहाँ पर अनफेजेंट में इवॉल्व होता है वैसे ही आपको दिख जाता है, वरना तो यार आपको पता ही है। अच्छा हुआ कि हमारा पिकाचू यहाँ पर मेल पिकाचू है। तो चलो अगर यहाँ पर रिवाइव दे देता हूँ यहाँ पर ट्रैंक्विल को, क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे उसे इवॉल्व करना है, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर इवॉल्व होकर बन जाए अपने इनटू इट्स लास्ट फॉर्म अनफेजेंट। तो चलो, हमने हरा दिया जिम लीडर क्लाइंट को। वंडरफुल, दैट शुड शो हर। नाउ दैट यू हैव सीन ध्रुव्स बैटल स्टाइल, डोंट यू थिंक ही डिजर्व्स अ चांस टू बैटल यू फॉर अ रियल? आई एडमिट ध्रुव हैज अ टैलेंट, आई सपोज आई विल डू अ रियल बैटल विद यू, बट आई स्टिल एक्सेप्ट टू विन बेस्ड ऑन माय एयर बैटल प्रेडिक्शन। मीट मी इनसाइड व्हेनेवर यू आर रेडी। तो चलो गाइस, यहाँ पर अभी हम तैयार है टू चैलेंज द जिम लीडर। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर हम चैलेंज करने चले जाने वाले हैं मिस्टर लाइन रेडी पोकेमोन जिम लीडर स्काइला द हाई फ्लाइंग गर्ल। सो यस, यहाँ पर अपना सेवेंथ जिम बैच जो है वो दाव पे लगने वाला है गाइस यार। सबसे पहले सेव कर लेते हैं गेम को, कोई भी मैं दिक्कतें नहीं चाहता हूँ यहाँ से आगे की तरफ। सो लेट्स गो, यहाँ पर हम चले जाते हैं टू चैलेंज द जिम लीडर। हाई बर्ड स्काइला, यू डू द फाइट टाइप पोकेमोन, दे आर वीक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक, आइस एंड रॉक टाइप्स, दे आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट बग, ग्रास एंड फाइटिंग। Those types also don't do much damage. They are immune to ground types as well. तो यार डबल बैटल होने वाले हैं हमारे, तो इन्हें दन सबसे पहले यार सारे के सारे साथ बैटल में डाउन कर गाइस यार आपसे फिर से मिलता हूँ।
तो चलो जरिए अपने अपने फर्स्ट बैटल डबल बैटल कंप्लीट कर लिया है। एंड यस गाइस, यहाँ पर अपने दोस्तों यार ट्रायंगल यहाँ पर इवॉल्व होने के लिए तैयार है टू इट्स अ फाइनल फॉर्म। यस गाइस यार, यहाँ पर दोस्तों अपने ट्रायंगल जो है वो सक्सेसफुली इवॉल्व होकर बन चुकी है इन टू द अनप्रेजेंट। यस गाइस यार, यहाँ पर दोस्तों जिम के पहले ही गाइस हमारी ट्रायंगल जो है वो इवॉल्व होकर बन चुकी है इन टू द अनप्रेजेंट। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ से अभी मैं सीधा चले जाता हूँ इस डबल बैटल को और कंप्लीट करने के लिए। टोटल हमें 3 बैटल कंप्लीट करने हैं एंड देन वी आर रेडी टू चैलेंज दी स्काइला। तो ओके गाइस, यहाँ पर हमने एक और बैटल कंप्लीट कर दिया है। सो बस गाइस, यहाँ से अभी एक बैटल कंप्लीट करना है एंड देन वी आर रेडी टू चैलेंज दी जिम लीडर। तो ओके गाइस, यहाँ पर हमने सारे के सारे बैटल कंप्लीट कर दिया है। सो सेव कर लेते हैं, हीलिंग कर जो है मैं जल्दी से जल्दी आ जाता हूँ टू चैलेंज दी 38th जिम बैच। यू होल्ड इनफ प्रॉमिस, यू मेड अप्रूव माय एयर बैटल रॉन्ग। तो इसके लिए जाएगा सबसे पहले पिकाचू, अनप्रेजेंट एंड क्रोकोरॉक। यस, ये टीम होगी गाइस इस बैटल के लिए हमारी। सो हियर वी गो गाइस, रूदी गेमा वर्सेस द मिस्टर सिटी पोकेमॉन जिम लीडर स्काइला। तो यार उसने शुरुआत की है यहाँ पर उसके स्वोबैट के साथ। सो लेट्स यूज द डिस्चार्ज टू डाउन दिस स्वोबैट। एंड यस गाइस, हमने उसके सुबैट को जो है वो फर्स्ट हिट में ही डाउन कर दिया है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट अप कौन आएगा, स्वेना। तो यार उसके स्वेना के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर थंडर बोल्ट का। देखते हैं गाइस उसका फर्स्ट हिट में डाउन होता है या नहीं। एंड यस गाइस, यहाँ पर उसके स्वेना को भी हमने डाउन कर दिया है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर लास्ट अप कौन सा आता है, यहाँ पे अनप्रेजेंट। तो यार उसके पास भी एक अनप्रेजेंट है, तो उसके अनप्रेजेंट के खिलाफ हमें लेकर आना चाहता हूँ यहाँ पे क्रोकोरॉक को। देखते हैं गाइस क्रोकोरॉक यहाँ पर कैसे परफॉर्म करता है हमारे साथ। सो हम इस्तेमाल करेंगे गाइस, स्टोनेज है मेरे पास एंड डिग भी है, तो डिग तो वर्कआउट नहीं करेगा, बट हाँ स्टोनेज जरूर वर्कआउट करेगा गाइस यार। सो लेट्स यूज द स्टोनेज। ओके यार, उसका भी गाइस काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है यहाँ पे अनप्रेजेंट। सो ओके गाइस, यहाँ पर ना मैं फिर से जाता हूँ स्टोनेज के साथ। बट या यहाँ पर गाइस अपना क्रोकोरॉक जो है वो डाउन हो चुका है, तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पर ना मैं अभी लेकर आ जाता हूँ सीधा यहाँ से पिकाचू को इस बैटल को खत्म करने के लिए। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, पिकाचू के डिस्चार्ज से जो है हमने इस अब बैटल को एंड अनप्रेजेंट को यहाँ पे डाउन कर दिया है। एंड दैट्स इट गाइस, हमने इस जेडी का जो है वो जिम बैच हासिल कर दिया है। यस, आई डोंट बिलीव इट। ओके, तो उसको बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? आई डोंट बिलीव इट, यू एक्चुअली बीट मी, इवन दो माय एयर बैटल सेड यू विल लूज। आई गेस एयर बैटल्स आर नॉट परफेक्ट, यू हैव अर्न द जेड बैच। सो यस गाइस, मोर टू गो फ्रॉम नाउ। ओके, तो TM62 एक्रोबेटिक्स मिल गई हमें। यस, मुझे पता है एक्रोबेटिक्स से क्या होता है। तो लेट्स गो गाइस यार, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू डू ऑल ट्रेडिशनल बैटल्स, दैट्स द बेस्ट वे टू जज अ ट्रेनर। यस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, आई होप आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना। एंड मैं अगर आपसे मिलता हूं पोकेमॉन फॉरेस्ट के अगले एपिसोड में, तब तक